लाल यादव निरहुआ जी, माननीय सदस्य का ये पहला संबोधन है संसद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज पहली बार सदन में बोल रहा हूं, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप सब लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है। हम अपनी भाषा में बेहतर तरीके से सोच, समझ और अभिव्यक्त कर पाते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी मातृभाषा के प्रति कृतज्ञ होने की बात कही है। इसी भावना के साथ पिछले 5 दशक से करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन भोजपुरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। कभी तो भाषा के भेद का पाठ पढ़ाकर, तो कभी नियमों की अस्पष्टता का हवाला देकर भोजपुरी भाषियों की मांग पूरी नहीं होने दी गई। अध्यक्ष जी, भारत से अलग मॉरिशस की पहल पर यूनेस्को ने भोजपुरी संस्कृति के गीत गौनई को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया, लेकिन पहले के केंद्र की सरकारों ने कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। मोदी जी की सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन किया, जिसके लिए मोदी सरकार जी का करोड़ों भोजपुरी भाषी हृदय से धन्यवाद करते हैं। सभी जानते हैं कि भोजपुरी भाषा की यह लड़ाई 1967 से जारी है। 1960 में पहली बार इसके लिए बिल लाया गया। तब से अब तक संसद में इसे लेकर 18 प्राइवेट मेंबर बिल भी आ चुके हैं। कई आंदोलन भी हुए। 16 देशों में बोली जाने वाली भाषा, जिसकी जड़ें लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसको भारत से बाहर कई देश स्वीकार कर चुके हैं, जिसको यूनेस्को सम्मान दे रहा है, क्या इस भाषा को अपने देश में संवैधानिक दर्जा का हक नहीं है? अध्यक्ष जी, हमें उम्मीद जगी थी 2012 में एक प्रस्ताव पर भाषण देते हुए गृह मंत्री श्री पी चिदंबरम जी ने भोजपुरी में कहा था, हम रउआ सबके भावना के समझता नहीं, हम मानसून सेशन में भोजपुरी को मान्यता देने के लिए बिल लाएंगे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अध्यक्ष जी, तत्कालीन गृह मंत्री ने सदन में आश्वासन देकर अपनी बात से पीछे हट गए और भोजपुरी के सम्मान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी की सरकार है जो असंभव को संभव करने के लिए जानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जो संभव नहीं हो पाया वो मोदी जी की सरकार में जरूर संभव होगा। हमारी भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार में अवश्य मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमें पूरा भरोसा है कि सदन मेरी बातों को गंभीरता से विचार करेगा। आपने मुझे इतना समय दिया और सम्मानित सदस्य साथियों ने सुना, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत, जय भोजपुरी।